नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान भाई राशि सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं केवीपी यानी किसान विकास पत्र के बारे में। क्या होता है किसान विकास पत्र, कैसे डील की जाती है इसमें, क्या कुछ बेनिफिट रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने पर, और ये डिफरेंट है एनएससी से क्यों। तो ये सारी जानकारी आपके सभी एग्जाम के लिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, बाकी और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स के अंदर। तो किसान विकास पत्र ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, पहली चीज याद रखिएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत 1988 में हो गई थी। 2011 में इन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन 2014 में सरकार बदलने के बाद फिर से इनकी शुरुआत कर दी गई। तो केवीपी सभी लोग, कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडियंस, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, कोई भी कर सकता है। और इसमें बाकी बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह आप एनएससी में देखते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के वीडियो, आप लोगों ने अगर नहीं देखी अब तक तो देख लीजिए पहले, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। उसके साथ ही इसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या कुछ है इसके अंदर खास। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप केवीपी खरीदना चाहते हो तो खरीदोगे कहां से, ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो आप इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाकर या किसी बैंक से, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड बैंक्स के अंदर ही आपको अवेलेबल होंगे, तो पोस्ट ऑफिस में और बैंक्स में जाकर आप केवीपी खरीद सकते हो। अगर आप केवीपी खरीद लेते हो, किसान विकास पत्र खरीद लेते हो, इसमें आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा वो 1000 रुपए करना होगा। कम से कम आप 1000 रुपए करोगे और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें जितना चाहो पैसा लगा सकते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, जितना चाहे उतना इन्वेस्ट करो। क्योंकि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता। यानी जिस तरह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप पैसा लगाते हो तो टैक्स कैलकुलेशन में कमी आती है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अपना पैसा लगा सकते हैं, मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और ये आपका जमा रहेगा। इस टाइम अमाउंट को, इस 1 लाख रुपए को जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, इसे आप 30 महीने यानी कि 2.5 साल से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। ये इसका लॉक इन पीरियड होगा। तो 30 महीने का लॉक इन पीरियड है, इतने समय तक आपको ये कम से कम इन्वेस्ट रखना होगा। इसके बाद आप जब पैसा निकालोगे तो 6.9% पर एनम के अकॉर्डिंग इस पर आपको ब्याज मिलेगा। और आप जानते हैं कि ब्याज बदल सकता है, क्योंकि भारत में ब्याज क्वार्टरली यहां पर डिफाइन किए जाते हैं, 3-3 महीने में इनको अपडेट किया जाता है। जो भी अमाउंट आप इसमें रखोगे, इस अमाउंट के 1 लाख रुपए अगर आप चाहते हो कि ये डबल होकर मिले, तो आपको 124 मंथ्स का इंतजार करना होगा, क्योंकि ब्याज के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि कितने समय वो अमाउंट आपका डबल होगा। 124 महीने लगेंगे डबल होने में अभी के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है। आप इसमें लगा सकते हैं अपने पैसे को, आपकी मर्जी है। नॉर्मली बैंक में एफडी वगैरह कराते हैं तो ब्याज 6% के नियर बाई है, लेकिन यहां 6.9% है। ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा यहां। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके बदले लोन भी ले सकते हैं। यानी अगर आप बैंक में केवीपी है आपके पास 1 लाख रुपए के और आप उनको रखकर लोन लेना चाहते हो, वो भी पॉसिबल होगा, केवीपी यूज्ड एज ए कोलेट्रल। इसे गारंटी के तौर पर, कोलेट्रल के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है, सिर्फ वो इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट कोई नहीं है, ओनली इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जो भारतीय हैं सिर्फ वही इसे खरीद सकते हैं, कोई विदेशी आकर इसे नहीं खरीद सकता। ये केवीपी के बारे में जानकारी, और ये आपको लिए बहुत ही बेनिफिटेड होने वाली है सभी एग्जाम के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।